अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब, शराब पीने की आदत तो शुरू की थी। जब से चांदी ने हीरे पालिया रात नहीं कटती, अखा मिंटिया डर नहीं चाहते। ही मिले तेन उस नचणली तो अपना सब कुछ पा दिता ही अपने नाल सड़ना साड़ी इज्जत भी मिट्टी को ला दी। अगर बंदा नचण वाली दस देवे ना कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, फिर वो जी नहीं देती। ये बेवफाई अज की नहीं, जदों की दुनिया बनी है ये बेवफाई भी नाल ही चली आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मेरा मलिक और आज हम आपको लेके आए हैं एक खूबसूरत से प्रोग्राम में और देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस ड्रामे में क्या रोल कर रही हैं? ड्रामे का नाम है सोना चांदी और इस ड्रामे में मैं चांदी का करेक्टर कर रही हूँ। ओके गुड। अच्छा आपने पहले भी यहाँ पर ड्रामे किए हैं, इस ड्रामे में और पहले वाले ड्रामों में क्या फ़र्क है? मेरा ये लाहौर में फ़र्स्ट टाइम ड्रामा है और मैं एज ए करेक्टर काम करती हूँ, एज ए एक्टर। ठीक है, एज ए डांसर तो मैं हूँ ही, लेकिन एज ए करेक्टर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोल करना। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर करती हूँ कि मुझसे इस तरह के ड्रामे करवाए जाएं। और ये कैसर सनाउल्ला साहब का मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि मैं उनका ड्रामा करूँ और अच्छा करके दिखाऊँ उनको, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम गुड्डू कुमार है। तो आपका कैसे आना हुआ बताएं आप पहले। जी मेरा इसलिए आना हुआ कि मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आई हूं और मैं आपसे ये पूछने आई हूं कि आप स्टेज पे काम कर रहे हैं तो आपका कैसा रिस्पांस है स्टेज पे? स्टेज पे रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। ये सोना चांदी ड्रामा लगा हुआ है, ये ड्रामा पब्लिक ने बहुत लाइक किया, पसंद किया है, और ख़ास तौर पर जो रोल है मेरा उसको बहुत लाइक किया है, बड़ा पसंद किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद भी इनका ड्रामा देखा, मुझे भी इनका ड्रामा देख के बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा गुड़सा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ऑडियंस जो शायकीन होती हैं, ठीक है, मतलब ये ड्रामा जो है थोड़ा सा हट के है, पहले जो आपने ड्रामे किए हैं और ये सोना चांदी जो ड्रामा किया है इसमें और उनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, जो पहले ड्रामे हमने किए हैं उसमें जैसे हम पल्ले से बात करते हैं अपने, यानी हम खुद बात करते हैं, जो मतलब जो डायरेक्टर लाइन देता है ना वो सिर्फ गाइडलाइन है हमारे पास, बाकी हमने अपने पल्ले से करना है। ये जो ड्रामा है ना इसमें कैसर सनाउल्ला साहब ने कहा कि जेर जबर का फ़र्क नहीं नज़र आना चाहिए हमें, ये ड्रामा करना है, लाइन टू लाइन हम कर रहे हैं। सही, ये फ़र्क है। शकील चन्न नाज़रीन तुसी देख रहे हो शकील चन्न, एक छोटी जी कुड़ी दे नाल। जी हुकम। जी मैं देखने आई हूँ कि आप बड़ा खूबसूरत अपना ये ड्रामा कर रहे हैं जो स्टेज ड्रामा है। आप ये बताएं कि मतलब पहले भी आपने ड्रामे किए हैं, इस सोना चांदी ड्रामा में और पहले वाले ड्रामों में क्या फ़र्क है और ऑडियंस क्या रिस्पांस दे रही है? जी ऑडियंस को खुद पता चल गया है कि इसमें बहुत चेंजिंग है, ये एक आर्ट ड्रामा है, इसमें हम आर्ट दिखा रहे हैं पब्लिक को, और ये एक फैमिली ड्रामा है। कैसे सनाउल्ला साहब ने ये बनाया है, लिखा भी उन्होंने है, और इसमें मैं पुलिस वाला रोल कर रहा हूँ जफर शाह साहब के साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा जा रहा है। और आना खुश हो गया है। सलाम 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 साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं जी हमारे साथ कौन है कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और मेकअप करके बहुत अच्छे इस गेटअप में लग रहे हैं आप। अच्छा, यानी कि आपका मतलब है कि मेकअप के बगैर मैं बहुत बुरा लगता हूँ? नहीं नहीं सर, आपने मेकअप तो इतना किया नहीं हुआ, लेकिन गेटअप में आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। गेटअप कुछ इस किस्म का है, मैं इस ड्रामे में जो
सोना चांदी है, इसमें डॉन का पार्ट कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप लग भी डॉन रहे हैं सर। हाँ, तो बस इसीलिए ना डॉन का गेटअप किया। अभी तो मूछ लगेगी। अच्छा। ये वाली टोपी पहनूंगा, ये जरा डिफरेंट स्टाइल दिया है। सही हो गया। अच्छा सर, आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है, ये जो ड्रामा सोना चांदी है, ये फैमिली ड्रामा है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। पहले वाले ड्रामों में और इस सोना चांदी वाले ड्रामे में क्या फर्क है? जैसे पहले ड्रामे होते थे ना जी हमारे इधर थिएटर पे, जी सर, ये खेल उन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि प्योर फैमिली ड्रामा है। सही। और फैमिली के लिए बनाया गया है। सही। और इसको मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये फैमिली वाला है, क्योंकि मैं दूसरे ड्रामे जो है वो छोड़ दिए, वो मैं नहीं करता। हाँ, सही हो गया। तो बड़ा अच्छा खेल है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, और सबसे ज्यादा ये है कि इसके ऊपर 4-5 सेट जो है ना वो घूमते हैं, ऐसे राउंड राउंड। मैंने खुद देखा है और हैरान हो गया, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सेट नहीं देखे कि जो ऐसे बंद हो रहा है और दोबारा से नया सेट आ रहा है। पुलिस वाले का सेट, जेल वाले का सेट, और जहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है वो वाला सेट। और देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने नाजरीन को भी बताना चाहिए कि नाजरीन ये फैमिली ड्रामा, प्लीज आप इस ड्रामे को जरूर देखने। अच्छा, मैं समझा आप कहने लगी इतने सेट देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ सेट हो जाऊं। जी नाजरीन, आप हमारे गोशी खान साहब की कॉमेडी तो सुनते रहते हैं और हम भी मतलब इनकी कॉमेडी देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और इनके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सोना चांदी में ऑडियंस का क्या रिस्पांस है? देखिए, जिस हद तक थिएटर पे गंद हो गया ना, जी जी, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा ना थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, ये जिहाद है जी जी। तो लोगों को थिएटर पे लाने के लिए ना हमें यानी कि इसको लॉन्ग रन चलाना पड़ेगा। अब ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि आया वो इसको लॉन्ग रन चलाता है या नहीं चलाता। तो खेल अच्छा फैमिली वाला जो है ना, वो फैमिली को बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए खेल कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए इसको लॉन्ग रन चलाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग रन चलेगा, क्योंकि जो हालात हैं बुकिंग के वो इतने अच्छे नहीं हैं। वो इसलिए सर क्योंकि अभी लोगों को, नाजरीन को पता नहीं है कि यहाँ पे फैमिली ड्रामा हो रहा है, क्योंकि पहले जो ड्रामे मतलब हो चुके हैं वो यही समझते हैं कि यहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो नहीं आ सकती। जी जी। लेकिन अब आप हमारे नाजरीन को पैगाम दीजिए, उनको मैसेज दीजिए कि आप अपनी फैमिली को बिला झिझक इस प्रोग्राम में, इस ड्रामे में लेके आ सकते हैं। जी जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कोई अच्छा फैमिली वाला खेल लगे, सबसे पहले तो उसका नाम फैमिली वाला होना चाहिए। जब नाम अच्छा फैमिली वाला आएगा तो आप अपने घरों से ज़रूर आएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे खेल पेश कर सकें। मिलवाने जा रही हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कामरान साहब, कामरान मुजाहिद साहब, और कामरान मुजाहिद टीवी में भी आपने उनको देखा होगा बहुत से खूबसूरत ड्रामों में, और अब हम आपको मिलवाएंगे उनको एक थिएटर के खूबसूरत ड्रामे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सुमेरा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, ठीक है, टीवी में भी किया है, और टीवी में और थिएटर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, टीवी एक डिफरेंट मीडियम है और थिएटर एक डिफरेंट मीडियम है। एक्टर की असल जो पहचान है वो थिएटर है और फिल्म है, और टेलीविज़न जो है वो क्योंकि छोटी स्क्रीन कहलाती है, थिएटर में आप फुल बॉडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और थिएटर ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपने लाइव परफॉर्मेंस करनी है ऑडियंस के सामने, तो उसमें कोई रीटेक मार्जिन नहीं होता आपके पास। उसमें अगर आप लाइन भूल गए तो आप गए, अगर आपने फंबल कर दिया तो आप गए, तो इसलिए थिएटर ज़्यादा मुश्किल है। और आई लव थिएटर, मैं 2001 से थिएटर पे काम कर रहा हूँ, अजोका थिएटर के साथ आधी दुनिया में परफॉर्म कर चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े दुनिया के फेस्टिवल्स किए हैं मैंने, जिसमें यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10,000 की ऑडियंस के सामने भी परफॉर्म किया हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको मतलब टीवी में तो माशाल्लाह आपको सब लाइक करते ही हैं, इसके अलावा थिएटर का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब ऑडियंस जो है, मतलब वो शायकीन देखने वाले क्या मतलब महसूस करते हैं आपको मतलब इस गेटअप में देख के? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर के अंदर भी मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि कैरेक्टर डिपेंड करता है कैरेक्टर पे, और फिर उस कैरेक्टर को एक्टर परफॉर्म कैसे करता है। जैसे हम इस वक्त जो ड्रामा कर रहे हैं उसका नाम है सोना चांदी, कैसे सनाउल्ला साहब ने लिखा है, डायलॉग्स बहुत मज़े के हैं, सिचुएशंस बहुत मज़े की है, और क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं थिएटर के, उनको आदत डाल चुके हैं हम लोग, वो आते हैं देखने के लिए एक कॉमेडी एंड डांस, तो ऑडियंस जब बैठती है तो वो यही सोच के बैठती है कि हम कॉमेडी देखेंगे डांस देखेंगे, लेकिन जब ड्रामा शुरू होता है तो हॉल के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, क्योंकि हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं, हमारी स्टोरी ऐसी है कि हम ऑडियंस को अपने साथ जोड़ लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, और बहुत एप्रिसिएशन मिली, और मुझे बड़ी खुशी होगी ये बताते हुए कि फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे ये चार दिन ऑडियंस जो है वो गई नहीं ड्रामा ख़त्म होने के बाद, वो मुझसे बाकायदा मिले और मुझे बहुत सारे इनामात भी मिले, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखना चाहते हैं। ये हमारे जो थिएटर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत पैसे लगते हैं, तो वो घबराते हैं स्टेज ड्रामा करने में, वो स्टेज शोज़ करते हैं, वो शोज़ की टिकट्स बेचते हैं, तो अगर स्टेज ड्रामा भी करें तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो लोग जो आते हैं स्टेज शोज़ देखने के लिए वो स्टेज ड्रामा शौक से देखेंगे, अगर हम उनको आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह यही ऑडियंस जो आपके स्टेज शोज़ देखने के लिए आती है और वो 4,000 का 5,000 का टिकट ख़रीदती है, तो आपके स्टेज ड्रामा के लिए भी वो ख़रीदेगी अगर म्यारी ड्रामा हुआ तो। मैंने वो खोया है जो मेरा आए। अरे चांदी ने तो वो खोया है जो सिर्फ चांदी का राशन न बन ना बन राशन एलिया पर दूधा एक नचनाली ते गला में दस के बड़ा ही कारनामा अंजाम देता ही एक रंडी नु मिसा के और निशान ऐसी अपना ते साडा मुकाम ते देख ले लो। जी मेरा नाम सरफराज विक्की है, सुसरे के नाम से मशहूर हूँ मैं। सुसरे के नाम, ये सुसरे आज हमारे साथ है। नाजरीन आप सुसरे को देखेंगे और वाकई इतना खूबसूरत गेटअप जो सुसरे ने किया, प्लीज़ आप एक दफ़ा जो है ना अपने वो गेटअप में ऐसे करके दिखा दें। जी वो मेरी ये कंटिन्यूटी है कि मैं यूँ करता हूँ, और हीरा मंडी का समझ ही गई आप। जी हीरा मंडी के ये वो है, आप भी समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अब हम इनसे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं, दल्ले का रोल कर रहा हूँ इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा कैरेक्टर होता है मुआशरे का ये, बिल्कुल भी। बिल्कुल और कैसर सनाउल्ला साहब ने ये कैरेक्टर को लिखा है, और देख रहे हैं ये मैं गेटअप के अंदर ही बैठा हूँ, और स्टेज की दुनिया में पहली मरतबा ऐसा कोई रोल हुआ कि वगरना वही बोस्की का सूट है, हाथ में सिगरेट है, टोपी रखी हुई है, सेम एटीट्यूड वैसे ही होता रहा, अच्छा दराज से ऐसे ही हो रहा है। ये जो थी ना, ये एक नई सोच है राइटर की, एक डायरेक्टर की एक नई सोच है कि ऐसा भी होना चाहिए। 2022 चल रहा है, अब नेट का दौर है, तो नेट के दौर में जो है ना मेरे जैसे लोग, जो मेरे करैक्टर जैसे लोग हैं, तो बड़े रिजनेबल होकर फिरते हैं। जी नाजरीन आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत गेटअप और कितनी खूबसूरत बातें करते करते इनसे हम पूछेंगे कि आप पहले भी ड्रामे करते रहे हैं, ये जो कैसर सनाउल्ला साहब ने बड़ा खूबसूरत फैमिली ड्रामा लिखा है और आप इसमें परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि मैंने खुद भी ये ड्रामा देखा है और मैं बहुत महसूस हुई हूँ, जो आपका स्टाइल है, आपका गेटअप है, उसको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ड्रामे में और जो पहले आप ड्रामे कर चुके हैं उनमें क्या फ़र्क है? बहुत सारा फ़र्क है इसमें, यानी समझ लें कि 2002 के बाद जब चेंज हुआ है, ज़्यादा कमर्शियल हो गया थिएटर बहुत ज़्यादा, उससे पहले बहुत अच्छे ड्रामे होते थे, बड़े लेजेंड हमारे बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब ने जो प्ले पेश किए, कमाल पेश किए, बहुत सारे नसीम विक्की साहब ने, लेकिन फिर उसके बाद चेंज हो गया। 20 साल बाद जाकर कहीं हमने पहले हीरा पन्ना किया,
हीरा पन्ना एक ऐसा रोल मैंने उसके अंदर हीरो का रोल किया और कमाल ड्रामा था वो, उसका पार्ट टू किया अब तो ऐसा लग रहा है कि बस ये ड्रामा चलता रहे और देखते रहें लोग, फैमिलीज आए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी आवाम भी उस जगह पर लग चुकी है और हमने आवाम को लगा भी दिया उस जगह पर कि वो सिर्फ कमर्शली एवरीथिंग होना चाहिए, कॉमेडी भरपूर होनी चाहिए, समथिंग जो कुछ भी उसमें डांस भरपूर होना चाहिए जो आजकल चल रहा है, लेकिन ड्रामा जो है वो यही है और वेरी नाइस। और मेरा सलूट है, मैंने हर इंटरव्यू में अपने डायरेक्टर कैसर सुनाउल्लाह को सलूट मारा है और उन्होंने जो लिखा और जो लाइनें हैं जो अल्फाज हैं एक एक मोती की तरह परो दिया उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब सोने को अपनी जुबान में समझाइए कि वो हमारी चांदी हमें वापस कर दे। अगर उसने चांदी को वापस ना किया तो शहर में ऐसा हंगामा होगा। आपको इस सोना चांदी ड्रामे में और जो पहले आप ड्रामे कर चुके हैं उनमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंस पहले और अब के ड्रामों में इसमें सिर्फ यही है, जो कमर्शियल थिएटर हमारी नाराज़ ऑडियंस है वो कहती है कि फैमिलीज के लिए अब ड्रामा नहीं बन रहा कमर्शियल, तो ये कमर्शियल थिएटर जो इस वक्त ये सोना चांदी प्ले कर रहे हैं ये प्योर फैमिली ड्रामा है और फैमिलीज के साथ आके आप इसे देख सकते हैं। एक स्टोरी है, पूरा स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टेड प्ले है और जो एक कहानी है वो एक्सपोज नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑडियंस आएगी देखेगी तो उन्हें पता चलेगा। और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं कैसर सुनाउल्लाह साहब। मैंने उस कमाली का सारा हद्दू दरबा निकाल दिया, वो चौधरी के टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली सा गुंडा है, ना उसके पास घर है ना कोई ठिकाना और ना ही बैंक बैलेंस, मुझे लगता है वो आपको आगे नहीं करेगा। बहुत ही हमारे नामवर एक्टर्स जो आपसे बातें कर रहे हैं और यकीन को महसूस कर रहे हैं। अब हम आपको मेकअप रूम में ले आए हैं, अभी सारे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, साथ साथ रेडी हो रहे हैं और साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले इंतजाम हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आपका मतलब बोलना मुझे लगता है कि मुझे खामोश होना पड़ेगा। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये ड्रामा जो सोना चांदी जो कैसर साहब ने बड़ा खूबसूरत ड्रामा लिखा है और जिसको फैमिली बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं, आप माशाल्लाह पहले भी बहुत सारे ड्रामे कर चुके हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जो आप पहले ड्रामे कर चुके हैं उन ड्रामों में और इस ड्रामे में क्या फर्क है? असल में ये ड्रामा है जो हमारा इससे 20-25 साल पहले हुआ करता था, जो सब्जेक्ट पे रिहर्सलें होती थी, मतलब 10-15 दिन हम रिहर्सल करते थे जिसमें हमारी फैमिली देखती थी। इसी ड्रामे को अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली आके देख रही है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को पसंद आया है। बिल्कुल, देखिए हम लोग उस ड्रामे में तो ऐसे नहीं है कि मतलब सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत हुई है। इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा मेहनत की है कैसर साहब ने और माशाल्लाह कैसर साहब ने जितनी मेहनत की है ना, मतलब आर्टिस्टों को मतलब करके दिखाया। हमारी जो डोर होती है अल्लाह के बाद डायरेक्टर के हाथ में। हाय हाय, राणा खुश हो गया, ये मेरे करेक्टर का हिस्सा है और बड़े अरसे के बाद मैंने एक करेक्टर किया है, एक नया करेक्टर किया है। इसका क्रेडिट जो है वो कैसर सनाउल्लाह खान साहब को जाता है जिन्होंने नई लाइन्स लिखी, नया सीन लिखा, नई कॉमेडी लिखी। जब राइटर कुछ नया लिखता है तो फिर आर्टिस्ट को भी कुछ नया करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप पहले भी मतलब ड्रामास कर चुके हैं, आप ये सोना चांदी में और पहले वाले ड्रामों में क्या फ़र्क है? देखें, ड्रामा तो ये भी कमर्शियल है, वो भी कमर्शियल है, लेकिन जिस ड्रामे का डायरेक्टर जिंदा है, राइटर जिंदा है, उस ड्रामे का एक अपना मज़ा है। बाकी जो हम कमर्शियल ड्रामे करते हैं उसमें फिल्मबदी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हमें जो ग्राउंड है वो राइटर और डायरेक्टर मिलके हमें देते हैं और फनकार को खेलने का मज़ा आता है। तो जैसे अलहमरा में पहले कभी ड्रामे होते थे, लेकिन ये कमर्शियल प्लस क्लासिक, इसमें क्लासिक सीन भी मिलेंगे आपको, कमर्शियलिज्म भी मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी, 12 मसाले मिलेंगे इसमें।